नमस्कार किसान भाई, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मर के अंदर। तो सुबह हो गई है, आज की सुबह बहुत ज़्यादा अलग है। अभी बहुत सारी ज़्यादा तगड़ी धुंध पड़ रही है, आपको और भी दिखाता हूँ कितनी कितनी तगड़ी धुंध पड़ रही है। तो अभी सुबह का मौसम है और धुंध बहुत ज़्यादा, आज सर्दी भी है, तो आगे और देखते हैं। धुंध ही धुंध हो गई है सब तरफ, गाँव वगैरह सब में धुंध धुंध चल रही है। अभी इधर कुछ ज़्यादा ही है, धुंध बहुत ज़्यादा है इधर और सर्दी भी बहुत है। ये हमारा गांव है, यहाँ पे भी जो गांव है उससे बाहर आ गया हूँ मैं, और सुबह सुबह सड़क पे नज़र आ गए हैं मोर, इनसे बच के रहना ज़रूरी, नुकसान ना हो। तो इससे क्या होगा किसान भैया, जितनी ज़्यादा सर्दी पड़ेगी उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो फसलें हैं गेहूँ वगैरह वो ज़्यादा ग्रो हो पाएंगे, जल्दी बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, सरसों वगैरह को काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जब सरसों की फसल है वो पकने के टाइम आ गया है, और जब सरसों पकती है तो वो जब सर्दी पड़ती है तो वो ख़राब हो जाती है, उसमें दावा पड़ जाता है। तो ये है कुछ टचकों का इलाका, टूटी हुई सड़क। अब इधर कुछ फोक ज़्यादा ही आ गई है, सड़क भी इतनी कच्ची है, टूटी हुई सड़क है, और साथ में इतनी धुंध, तो गाड़ी चलाना सुबह सुबह लगभग नामुमकिन सा ही हो जाता है। लेकिन क्या करें, गांव में रहते हुए इतने दिन हो गए, इतने साल हो गए, दिन क्या सालों हो गए, तो धीरे धीरे अनुभव आ गया है सर्दी में कैसे चलाना है। अभी जो हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है तो वो भी काफ़ी ठंडा हो गया है, बिल्कुल ठंडा ठंडा हाथ हो गया। आउट ऑफ विलेज आ गए हैं, दूसरा गांव था एक, तो गांव के बाहर आते ही धुंध वो फिर से बढ़ गई है। गांव में नहीं रहती है इतने, गांव के बाहर बहुत ज़्यादा धुंध रहती है। अभी कोई उठा भी नहीं है, क्योंकि सुबह के लगभग 7:10 या 7:15 हो रहे हैं, और कोई उठा भी नहीं है क्योंकि सर्दी में ज़्यादा है और साथ में हवाएं भी चल रही है। तो भाई सर्दी से इतना असर नहीं पड़ता जितना हवाओं का असर पड़ता है। जो हमारी फसलें होती है ज़्यादातर, तो उस पर जो हवा होती है उसी का असर रहता है फसलों के। जो हमारी मेन जो होती है सरसों, पकने का टाइम हो गया है, और हवा से जो नुकसान होता है वो होता है कि सरसों दवा मार जाती है, तो सरसों दवा मार जाती है तो उसमें पैदावार कम बैठती है, तो बहुत नुकसान होता है इस चीज़ों से। और जो हवाएं चलती है जो, उससे जो हमारी फसल होती है वो नीचे गिर जाती है, यानी बैठ जाती है, सो जाती है, तो इससे भी हमारी पैदावार होती है उसमें कमी होती है।